जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1 के ए का क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप क्लास 10th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है, वो भी एक रुपए चार्ज नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क पूरा तैयारी कराया जा रहा है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आप घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स आसानी से पा सकते हैं, कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं आपको करना क्या है क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए सीधे आपके मैटर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है, और बोल क्या रखा है उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने क्वेश्चन दे जाए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ध्यान पूर्वक पहले आप क्वेश्चन को पढ़ जाया करिए। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते चलिए। देखिए, बोला है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले आप कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर चुके हो, फिर भी मैं बता रहा हूं इसलिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो बहुत वीक होते हैं मैथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। वो बहुत पिछड़े एरिया से होते हैं जहां पर कोचिंग नहीं होती, स्कूल बहुत दूर पे होते हैं, कोचिंग बहुत दूर पे होते हैं। तो मैं इसलिए सभी क्वेश्चनों को करा देता हूं ताकि वो घर बैठे आसानी से पढ़ सके, ठीक है, तैयारी कर सके। इसलिए मैं सभी क्वेश्चनों को कराता चल रहा हूं। अगर आपका भी कुछ कंफ्यूजन होगा, इसके पहले जो क्वेश्चन आपने किया था इससे रिलेटेड, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पर पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बोला दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग से रिलेटेड बोला। ठीक है, फिर बोला है किसी पूर्णांक क्यू के लिए, कोई पूर्णांक है जो क्या है क्यू के लिए, या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो m के रूप में पूछा गया था, लेकिन यहां पर q के रूप में पूछा गया। q के रूप में क्यों पूछा गया है, क्योंकि पूर्णांक ही हमारा क्या है, q है। तो हमें जो प्रूव्ड करना है वह q के रूप में ही प्रूव्ड करना है। एकदम सिंपल तरीका बताने वाला, वीडियो में बने रहो, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, अंतिम सांस तक नहीं भूलोगे, इतना सिंपल तरीका मैं बताने वाला हूं। ठीक है, जब भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला याद होगा, ए बराबर होता है BQ+R। ये तो आपको फार्मूला याद ही होगा। और जो आपके पूर्णांक दिए गए हैं, पूर्णांक दिया है 4q और 4q+1। अगर हम b की जगह पर देखें, a बराबर क्या होता है bq, तो q के जस्ट पहले क्या होता है आपका b होता है, और b बराबर आपका जो वैल्यू दिया गया है वो 4 दिया गया है। अर्थात हम जब भी भाग करेंगे 4 में किसी भी संख्या से, 4 से छोटी संख्या है कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप 4 में 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं, और 3 से भी भाग कर सकते हैं, लेकिन शेषफल यहां पर ये बचना चाहिए, कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए। तो 4 से भी भाग कर सकते हो, 4 में आप 4 से भी भाग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो b जो है कितना है, 4 है। तो 4 होने का मतलब जो शेषफल आएगा वो हमें 3 तक प्राप्त हो सकता है। शेषफल जो होगा हमें कहां तक प्राप्त हो सकता है, 3 तक प्राप्त हो सकता है। अर्थात हम r=1, 2, 3 ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4 लेंगे तो 0 आपको तो ऑटोमेटिक ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा काम करिए, आप 0 भी ले लीजिए, एक बार हम 0 को भी रखकर यहां पर ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, यहां से हम 4 समीकरण निकालते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4q के रूप में दिया है और ये फार्मूला होता है BQ+R के रूप में, तो हम R बराबर क्या लेंगे, 0 पर। ठीक है, R बराबर 0 पर, तो A बराबर आपको देखिए क्या मिल रहा है, A बराबर आपको मिल जाएगा BQ+R। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर में चेंज करेंगे। क्यों स्क्वायर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करके ये दर्शाना लास्ट में कि 4q और 4q+1 के रूप में होता है। तो आप मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, तो ऊपर मैंने माना नहीं, यहां पे आप मान दीजिएगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है, अब इसी को लेके चलेंगे, तो x है तो हम क्या ले लेंगे, x, x बराबर क्या, bq, तो bq की जगह कितना है, 4q 4q प्लस
आर के रूप में करेंगे। देखिए जहां पे ए था उस पूर्णांक को जब ए होता था पूर्णांक तो ए लिखा जाता था, लेकिन यहां पे मैं एक पूर्णांक क्या लेके चल रहा हूं, यक्ष लेके चल रहा हूं। तो यक्ष बराबर फोर क्यू प्लस क्या हो जाएगा आर। आर क्या पहले तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो सकता है, जीरो। अगर चार में हम चार से ही भाग दे देंगे तो शेषफल हमें शून्य न मिलेगा, तो शून्य एक बार प्राप्त होगा, तो शून्य लिखिए तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बराबर सिर्फ प्राप्त होगा फोर क्यू। और फोर क्यू प्राप्त होगा तो हम दोनों पक्षों का आप क्या करने वाले हैं, वर्ग करने वाले हैं। क्यों वर्ग करने वाले हैं, क्योंकि आपको वर्ग करके दिखाना है कि अब पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा, इस रूप का होता है यही दिखाना है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, लिखिए इस तरीके से वर्ग करने पर। चलिए देखिए दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये फोर क्यू है तो फोर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर x स्क्वायर बराबर हम यहां पे प्राप्त करें तो x स्क्वायर बराबर फोर, ध्यान दीजिएगा फोर का स्क्वायर कितना होगा 16, चार का वर्ग 16 और q का वर्ग q स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन हमें लाना किस रूप में, ध्यान दीजिए q पूर्णांक होना चाहिए तो हमें लाना है फोर क्यू और फोर क्यू प्लस वन के रूप में। तो फोर क्यू के रूप में कब आएगा, जो 16 है इसको हम क्या लिख दें चार गुणते चार, क्योंकि हमें एक चार तो चाहिए ही चाहिए, तो एक चार हम अलग करेंगे 16 से। अब एक चार बच रहा है और हमें बगल में क्या चाहिए q चाहिए, तो एक q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे बराबर में अपने से पूर्णांक q ही मान लेंगे। तो अर्थात इसको मान लेते हैं जहां, यहां पे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक के हम बराबर ले सकते हैं। क्यों लेना है, क्योंकि हमें उसी अनुसार सिद्ध करना है बस, और ज्यादा कुछ मैटर यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो जहां पे आप लिखोगे q बराबर, अर्थात यहां पे लिख सकते हो फोर क्यू का स्क्वायर बराबर क्या दोस्तों q ले सकते हो अपने, ठीक है। तो जब यहां पे फोर क्यू का स्क्वायर बराबर आप q लोगे तो यहां पर हम क्या लिख देंगे हम q, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा फोर क्यू। यहां पर देखिए प्रूव्ड हो गया, क्या प्रूव्ड हुआ फोर क्यू, क्यू को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मैं क्यू ऐसे ही बनाता हूं, तो फोर क्यू यहां पर आ गया, ठीक है। वर्ग करने पर पूर्णांक वही रूप में आए, उसी रूप में आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चले कोई दिक्कत नहीं, तो अगले शेषफल को हम यूज करते हैं। अगला शेषफल हम r बराबर कितना यूज करेंगे वन पर, ठीक है। तो यहां पर लिखिए r बराबर वन पर, तो वन को लेके चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा x बराबर, अब देखिए फोर क्यू प्लस कितना हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम शेषफल को लेके चल रहे हैं। शेषफल आपको कहां तक लेके चलना है, चार तक या चार से नीचे तक आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिद्ध किया तो फोर क्यू के रूप में आ गया है, अब हम वन लेके चलते हैं। शेष पर आर की जगह पर हम क्या लेके चलेंगे वन, एक बार जीरो लिया आपने, अब एक बार एक को लीजिए। तो चलिए दोनों पक्षों का यहाँ पे वर्ग करिए, अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग करेंगे तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा फोर क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। अब तो आपको एक फार्मूला याद ही होगा, कौन सा फार्मूला, जो इसके पहले मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बताया था उसका काम यहाँ पे आन पड़ा है, तो चलिए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो चलिए इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जब देखिये यहाँ पर एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो सबसे पहले क्या हुआ ए स्क्वायर, जब ए था तो क्या हुआ ए स्क्वायर, यहां पर फोर क्यू है तो यहां पे क्या हो जाएगा फोर क्यू का होल स्क्वायर, तो यहां पे आप कर देंगे फोर क्यू का होल स्क्वायर। उसके बाद बी था तो क्या हो गया प्लस बी का स्क्वायर, तो यहां पर वन है तो हम कर देंगे वन का स्क्वायर प्लस, फिर क्या है टू ए बी, तो टू लिखा ही लिखा जाएगा क्योंकि फार्मूले में टू पहले से कंफर्म है, तो आप यहां पे टू लिखेंगे फिर इनटू ए, ए की जगह पर कितना हो जाएगा फोर क्यू, फिर इनटू बी है तो बी की जगह पर कितना है वन, तो आप वन लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसका हम वर्ग करेंगे तो फोर क्यू का वर्ग कितना होगा, फोर का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और क्यू का क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन का वर्ग करेंगे तो वन ही आएगा प्लस, यहाँ पे देखिए दो चौके आठ, आठ इक्का आठ, अर्थात यहाँ पे आठ क्यू आएगा। एक को थोड़ा मैं साइड रखता हूँ, साइड रखने की आवश्यकता भी है, क्यों रखने की आवश्यकता है क्योंकि हमें फोर क्यू प्लस वन के रूप में भी प्रूव्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हो दोस्तों 16
क्यूब का, देखिए क्यूब का स्क्वायर प्लस 8 क्यूब प्लस क्या 1, इसमें आप देखेंगे तो 4 कॉमन दिख रहा है, 8 भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन हमें 8 की जरूरत है नहीं, जितना जरूरत है उतना ही खाओ, तो इतना मुझे जितना जरूरत है उतना ही कॉमन करूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहां पे क्या होगा दोस्तों, 4 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 4, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, तो एक 4 बाहर तो एक 4 अंदर रह जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब 8 में 8 का यहां बाहर निकला, देखिए 8 था तो 4 बाहर निकला, तो 4 दूनी कितना बचा, 8 2 बचा, देखिए 4 दूनी 8 हो गया, तो कितने बचेगा 2 बचेगा, और यहां पे क्यू है पड़ोसी में तो क्यू लिख दीजिए, और प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब हमें इसलिए देखिए एक पूर्णांक इसको मान लेते हैं, क्योंकि 4 तो हमें मिल ही गया है, 4 के बाद जरूरत है किसकी, क्यू की, तो क्यू की जरूरत है, इसको मान लेते हैं हम क्या, जहां इस तरीके से लिख के आप माना करिए, जहां 4q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू ए क्यू, मान लीजिए आप अपने से यहाँ पे क्यू मान लीजिएगा, मेरा क्यू जो बनता है आपको समझ में आता है ना, आप ध्यान दीजिएगा मैं वो क्यू ही बना रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर बराबर, ये 4 ऐसे ही रहेगा, इतने को आपने क्यू मान लिया, क्यू मान लिया, क्यू मैंने क्यू माना, क्यू मैंने क्यू माना, तो क्यू को इसलिए मैंने माना क्यू, क्योंकि पूर्णांक हमें क्यू ही लेके चलना है, ठीक है। तो क्यों लेके चलना है इतने बराबर, क्योंकि यह भी एक पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के बराबर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पे मैंने क्यू माना तो यह हो जाएगा 4q और प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 मैंने यहां पर ले लिया, तो एक बार देखिये वर्क करने पर एक्स स्क्वायर बराबर 4q आया, और एक बार वर्क करने 4q प्लस 1 भी आ गया। अब बाकी आप शेष फल यूज करना चाहते हैं आप करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए। तो आप यहां तक भी आंसर आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रूप दर्शा दिया गया। अब इन दोनों को भी लेके सॉल्व करेंगे तब भी एक बार 4q आएगा और एक बार 4q प्लस 1 के रूप में आएगा ही आएगा। आगे आप सॉल्व करने की इच्छा आप करिए, नहीं तो यहीं पे दर्शा दीजिए, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही भी नहीं है, क्योंकि प्रूव्ड आपका हो ही चुका है। तो आप अतः लिख दीजिए कि क्या, देखिए किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप इसी तरीके से लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिला क्या, सबसे पहले 4q और दूसरा मिला 4q प्लस 1। आगे आप लिख सकते हैं, देखिए मैं बता दे रहा हूं, मैं यहां पे आगे प्रूफ लिख दे रहा हूं, लेकिन आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख दीजिएगा, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहां पर क्यू पूर्णांक के लिए 4q या 4q प्लस के रूप का होता है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपने नोटबुक में इसे लिख भी लिए होंगे। देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन को वीडियो में देखा करें तो सिर्फ समझा करें, लिखा ना करें। तो आप अच्छे से यहां पे बोर्ड पे समझ लिया करें, बोर्ड पे समझने के बाद आप खुद से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा हाई होगा, अपने से आप सवाल को सॉल्व करने लगेंगे ना तो आपका लगाव मैथ के प्रति ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और क्लास 10th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।